डॉक्टर फरहान वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप बताइए, ट्रैफिक में फंस गए? बुरा हाल या लोगों ने आपको रस्ते में तो नहीं रोक लिया? डॉक्टर फरहान, डॉक्टर फरहान जिंदाबाद, खुद ही नारा लगा दो जी। हाँ जी, तो हांपते कांपते भागते डॉक्टर खुर्रम आ गए जी। आप बताइए, आज सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? बहुत सारा टाइम। अच्छा, एक ईमेल्स भी कर लेते हैं। बिल्कुल, फोन कॉल मत दीजिएगा, अब ईमेल्स करते हैं। और जिन्होंने कॉल की थी ना, हाँ, एक तो ये अब साहब थे, उन्होंने कहा था कि उनका उनके बाल गिरना शुरू हो गए। ठीक है, पैटर्न मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ठीक है, यानी कि मेल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। जी जी, ठीक है ठीक है। और बीएसटी हार्मोन्स, 26 साल की उम्र, उन्होंने कहा था बीएसडी हार्मोन्स, कोई हार्मोन्स होते हैं? बिल्कुल हार्मोन्स, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो उनकी शायद कमी हो रही है, क्या हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। स्किन ऑयली है, बाल कम हो गए? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपके बाल कम हो रहे तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, कोई मतलब की बात ही नहीं है। अच्छा, अगर आपके बाल कम हो रहे हैं और मेल पैटर्न के जैसे, तो आप उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डॉक्टर के मशवरे के साथ आप कोशिश कीजिएगा कि मिनोक्सिडिल आपके सर में जरूर लगना चाहिए, उससे बालों की ग्रोथ बहुत तेज होगी। मगर एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही आप इसको अच्छी तरह डीपली मॉनिटर कीजिएगा, ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, वरना इरिटेशन हो। उसके अलावा एक काम कीजिएगा, कोई से अच्छा, मैंने आपको लोशन जैसे बताया था कि मोमेट्रोसोन, ये लोशन अगर किसी भी तेल में मिला के, कैस्टर ऑयल में या कद्दू के तेल में या लौकी के तेल में आप मिला के सर पर लगाएंगे, बहुत ग्रोथ आएगी। 3 टाइम आप जिंक की टैबलेट जरूर लीजिएगा, और ऐसी टैबलेट जरूर लीजिएगा जिससे सर्कुलेशन ब्लड का बढ़े। साथ में आप कोशिश करनी है कि जिनसेंग, रेड जिनसेंग या रशियन जिनसेंग जरूर खाइएगा, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, ऑयली स्किन के लिए बड़ा अच्छा सा एक मास्क बता रहा हूँ कि 1 कप में आप लेंगे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, 1 कप में आप लेंगे 1/4 मुल्तानी मिट्टी, 1/4 जौ का आटा या ओटमील, और 1/4 इसके अंदर डालिएगा कोई सा भी सिट्रस का पाउडर या कि कीनू का छिलकों का पाउडर या लेमन के छिलकों का पाउडर। इसको अर्के गुलाब में मिला के पूरे चेहरे पे मास्क लगाइए 40 मिनट, और फिर रोज वाटर से धोए, बिल्कुल आपके चेहरे से डेब्री निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेल है, और तस्वीर भी बच्चे की लीजिए। अच्छा, बच्चा अभी पैदा हुआ है 15 फरवरी 2010, अभी अभी कुछ न्यू बॉर्न बेबी, बिल्कुल। उसके चेहरे पे है बर्थ मार्क, ठीक है, और उसका आधा लेफ्ट का जो साइड है चेहरे का वो कवर करता है वो बर्थ मार्क, बिल्कुल समझ गया। और वो कभी कभी डार्क रेड का हो जाता है, जब वो रोता है तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल। जब वो सो रहा होता है तो उसका लाइट रेड हो जाता है, बिल्कुल। तो वो बड़ी परेशान है, और डॉक्टर्स जो है जब उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि 18 या 24 महीने का हो जाएगा तो इसका ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत अपसेट है, इस वजह से जाहिर है बच्चा है छोटा, तो आप ये इसकी तस्वीर भी इन्होंने भेजी है, बहुत अच्छा इसकी, ये बड़ा अच्छा काम हो गया कि आप लोग तस्वीर भी भेजना। अच्छा, ये देखिए, ये पूरा मैं दिखा दूँ, ये देखिए पूरा एक जो पैटर्न, ये बिल्कुल पिक्चर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और ये जो पूरा बच्चे के चेहरे पर रेड मास्क आ रहा है, अगर ये छोटा होता है तो इसको स्ट्रॉबेरी नीवस कहते हैं, स्ट्रॉबेरी की तरह होता है। अच्छा। अगर पूरा बड़ा है तो हेमेंजियोमा एक तरीके का है कि ब्लड की बहुत कॉमन होती है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बच्चे का जेंटल मसाज करना है बेबी ऑयल से, कुछ भी ट्रीटमेंट अभी नहीं करेंगे कोई। अच्छा, इसका जवाब जो है ना, सॉरी फातिमा ने भेजा है, इसका जवाब हमें कल देना पड़ेगा, कल डिटेल से देंगे। आज जरा ट्रैफिक में फंस गए थे, लेट हो गए, ठीक है, तो अब हम खुदा हाफिज़ कर रहे हैं आज के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। कल ये आप संभाल के रखें, बिल्कुल बिल्कुल, इसको बच्चे की पूरी डिटेल से इसको सब करते आगे सब निहारी पे, जी अरे जबरदस्त, आज तो बड़ा जबरदस्त। तो हम प्रोग्राम माइंड अप करते हैं और आराम से निहारी सुकून से बैठ के खाते हैं। आज का डिजर्ट बहुत छोटा सा है, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। तो रिएक्शन जो है वो अपने संभाल के रखा करें, वो जो स्टार प्लस वाले रिएक्शन होता है क्या, उनको जो कंट्रोल करें, क्योंकि होता 10% है और वाकई रिएक्शंस उसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं चीज़ों को। इसी बात के साथ शेफ महबूब, नदा यासिर और डॉक्टर करम को दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे एक नए फ्रेश प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।